कि जब मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे तब संपूर्ण सर बोलने क्रांति चल दें। रही थी, अब संपूर्ण भ्रांति चल रही है। उसी पटना की भूमि पर संपूर्ण भ्रांति होने वाला है 23 जून को, जो संपूर्ण क्रांति की भूमि एक समय पर थी। उस समय पर आपातकालीन और भ्रष्टाचारी विचारधारा के खिलाफ थे, अब आपातकालीन और भ्रष्टाचारी विचारधारा को गोद में लेकर घूम रहे हैं। परंतु आज विषय वो नहीं। देखे अमित जी, मैं काफी देर तक अपने समय का इंतजार करता रहा अपने चांस का। अगर मेरे बीच में हर 5 सेकंड में इंटरप्शन होगा अमित जी और आप देखते रहेंगे तो मेरी आवश्यकता नहीं है बोलने का मौका। अमित जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं डबल टॉक नहीं होगी। मैंने इनकी बात सुनी, मैंने अभय जी की बात सुनी, कई वे घबराहट साफ चलिए आप छोड़ दीजिए। अगर ऐसी डिबेट होगी तो फिर मुझे अपनी बात रखने नहीं दिया गया। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार लगातार। जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहा है अपने आप में, कहीं ना कहीं तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में चर्चा नहीं होगा। अपनी बात को कोई रोक नहीं रहा, रखिए। अब क्या कर सकते हैं, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। ओके, पर आपने अजीज खान सभी को मौका दिया, नहीं आपको भी मेरा चांस आया, आपको भी मौका दिया, आप उनको रोक भी नहीं पा रहे हो। आपको भी मौका दिया है, उनको जब रोकना होता है मैं रोक लेता हूँ। आप भी अपनी बात रखिए, लोकतंत्र है देश के अंदर, आप वो भी अपनी बात रखेंगे। आप तो आप अपनी आप अभी तो बैठा हूं, आपकी वो बात फेयर है, वो बात आपकी फेयर है। ओके, मैं अपनी बात रख सकता हूं 40 सेकंड। हाँ बिल्कुल, 40 सेकंड अपनी बात को रखिए आप। देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैक के साथ जैक है और एक हाईजैक कर रहा है, और ये हाईजैक करने वाले अलग अलग तरीके से आते हैं। अजीज जी ने कहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज सोरोस ने भी कहा कि भारत के लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है, इसको बदलना पड़ेगा। और उस समय किसने उसकी बातों को एंडोर्स किया? प्रवीण चक्रवर्ती। कौन है प्रवीण चक्रवर्ती? राहुल गांधी का खासम खास। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसको शरद पवार जी ने खारिज किया, उसको किसने एंडोर्स किया? राहुल गांधी ने एंडोर्स किया। और मैं अभय दुबे जी से दो ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। किसान आंदोलन के बारे में बड़ा कहा उन्होंने कि ऑर्डिनेंस फिर वापस लेना पड़ा। भाई साहब, हमने तो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, एपीएमसी एक्ट जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस बना था, और मंडी आज भी केरल में लागू नहीं है, ये रिपोर्ट है। और दूसरी बात, ये है जैक डॉर्सी का वो तस्वीर, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। आज तो आप जैक डॉर्सी के ज्यादा प्रवक्ता लग रहे, कांग्रेस के कम। बताइए ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की दुबे जी क्या होती है, जरा वो समझा दीजिए, क्योंकि जैक डॉर्सी की हर बात को एंडोर्स तो आप ही कर रहे हो। ठीक है, सत्यप्रकाश जी भी काफी देर चिंता कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी बताइए, ग्लोबल भारत में जब प्रधानमंत्री 23 को वही सब कुछ हो रहा है। मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए। ग्लोबल जब दुनिया है और भारत के प्रधानमंत्री जब अलग अलग देश में जाके इवेंट कार्यक्रम करते हैं और उनको बॉस बताया जाता है, विदेशी प्रधानमंत्री बॉस बताता है, तो देश में भारतीय जनता पार्टी खूब ताली बजाती है। और एक अगर आलोचना आ जाए बाहर से इस ग्लोबल दुनिया में तो पेट में दर्द होने लगता है। अब मैं पॉइंट पर आऊंगा पूरा। अगर भारत में ट्विटर चल रहा है तो वो कानून के दायरे में ही चल रहा है, लेकिन आप कानून का भेजा इस्तेमाल करके लोकतंत्र के सिद्धांतों को कुचलने का काम इसी देश के अंदर नहीं कर सकते। आपने तमाम मीडिया ग्रुप के साथ भी ये किया, तो ट्विटर के साथ भी किया, बीबीसी के साथ भी किया। आपको जब लोकतंत्र लगता है कि नहीं ये लोकतंत्र ये वाला ठीक है, हमारे हिसाब का लोकतंत्र ठीक है, लेकिन सुनना पड़ेगा सर, सवाल तो सुनना पड़ेगा आपको भी और इनको भी, सवाल तो सुनना पड़ेगा। सवाल है, विंडो दिखाइए। सवाल सीधा है मेरा, क्या आपको लगता नहीं है जब आईएमएफ एक आंकड़ा देता है, मॉर्गन स्टैनली एक रिपोर्ट देता है, तब आप लोग नहीं मानते, उसको डिनाई कर देते हैं? आपने अभी खुद जिक्र किया बॉस, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब बॉस बोला तो आप उसको डिनाई कर देते हैं। अब आप बताइए, आप विदेश की फिनाइल को तो आप गले उतारने को तैयार है? ये विदेश का फिनाइल नहीं है, आपकी आलोचना अगर की गई है तो आपको उसको स्वीकार करने का ये दम होना चाहिए। बिल्कुल जायज आपकी बात, अगर आपकी आलोचना करिए तो फिर तारीफ को भी तो स्वीकार करिए ना। अगर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है तो फिर क्यों नहीं स्वीकार होता? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? बाहर जाकर नाम कमाता है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे देश की आलोचना करेगा तो उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या बात है उसमें, उस तथ्य में कोई दम है? कोई व्यक्ति अब कल को मियां खलीफा बोलेगी या ग्रेटा थनबर्ग बोलेगी, इतने लो लेवल पे डिबेट, लो लेवल पे नहीं, उनके ट्वीट को तो इशू बनाया। मैं लो लेवल की बात कर रहा, अरे कमाल की बात कर रहा हूं। ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा कल को बोलेगी कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे जांच होनी चाहिए? क्या जांच होगी इस बात की? भारत में लोकतंत्र का सर्टिफिकेट क्या चाहिए? वो वाशिंगटन के वो आपको चाहिए? हमें भारत का लोकतंत्र पता है कि नहीं है? रोज कुछ ले जा रहे हैं, अच्छा है कि नहीं लोकतंत्र में जो आवाज आलोचना का उठा रहे हैं, संसद नहीं चलने दी जा रही है लोकतंत्र में? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर नहीं, एक मिनट, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर अडानी ने खुद WFO वापस लिया, सुब्राष्ट्रा यू मेड योर पॉइंट सर, सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट।
मैं बहुत पेशेंटली सबको सुन रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जैक टॉर्सी ऐसे लोकतंत्र का ऐसा कौन सा उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम किया है जो उनके बात को हम ब्रह्मवाक्य माने। मैं जानना चाहती हूँ जितने नेतागण यहां पर बैठे हुए उनसे। कल तो यही कहते थे कि सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी ने खरीद करके रखी हुई है हर तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज उन्हीं को दिक्कत है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने की बात की जा रही है। ये विपक्ष मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से पूरी तरह से विपन्न हो चुका है और यही कारण है कि आज ये कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। ट्विटर के सीईओ को लेकर के हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, कंपनी के सीईओ एक्स सीईओ की चर्चा कर रहे हैं जिसका पूरा मूल उद्देश्य केवल और केवल प्रॉफिट कमाना था। और ये कौन लोग कर रहे हैं आमिष जी? ये समाजवादी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जांच होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसान आंदोलन को कुचलने की भारत में कोशिश हुई है और ट्विटर पे दबाव पड़ा था इस बात को कि ट्विटर अकाउंट का बंद किया जाए, इस बात की जांच होनी चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि जांच होनी चाहिए। 15-15 सेकंड शुभराष्ट्र। नहीं नहीं, ये तो सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे, इन्हीं के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ट्वीट, ज्यादा समय नहीं बीता है, थोड़ा सा खंगाल लेंगे हम, अगर अभी से 5-10 साल के इसकी हिस्ट्री, इन्हीं के नेता नीतीश कुमार जी ट्विटर को चिड़िया कहकर के चढ़ाया करते थे कि हमको चिड़िया का टें टें बोलने से हमारा राजनीति थोड़ी चलेगा। और आज वही चिड़िया की टें टें को लेकर के उन्हीं के एक सीईओ को डिफेंड करने के लिए बैठे और कह रहे हैं कि लोकतंत्र उससे बड़ा। अरे ये क्या बता दिया आपने शुभराष्ट्र, ये क्या बता दिया आपने? वो चिड़िया थी क्या नीतीश जी के लिए? नहीं, वो टैटे बोलती थी। ये तो गलत मिसकोड कर रही हैं। क्या बोला था? क्यों सर पे बोला था? नॉर्मल सी बात है, सिर्फ ट्विटर से ही देश में राजनीति नहीं चलती है। टैटे बोला था कि पेपे बोला था? ये गलत बात है, वो मिसकोड कर रही है। उस तरह से नीतीश कुमार जी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं नीतीश कुमार के लिए। ट्विटर के बारे में कुछ तो बोला था, भ्रष्टाचार क्या बोला था बताइए। ये कहना हमेशा रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया ट्विटर से ही देश नहीं चलता है, देश चलता है लोकतांत्रिक मूल्यों से। लेकिन अगर अगर कोई आंदोलन कुचला गया है, अगर ट्विटर पे आप लोग ने दबाव बना रहे हैं, सुभाष यू मीडियो पॉइंट दबाव बना रहे हैं, तो जांच होनी चाहिए। सुभाष यू मीडियो पॉइंट शहजादपुरा वाला, आपको अपने नेता के वक्तव्यों के बारे में नहीं पता इसका जी, आपको बिल्कुल नहीं पता है नीतीश जी ने ऐसी कोई बात कर ठीक है ठीक है चलिए अब बार बार करते हैं तो मनीष कश्यप जरूर लेकिन देखिए बिना वाले ही लोग देश नहीं चलाते हैं। एक सेकंड सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके नीतीश कुमार शहजाद आपको लगता है कि खरी खरी सुन लेते, दिक्कत क्या थी आपको? आपने मनीष कश्यप को जेल में क्यों डाला? क्योंकि मनीष कश्यप के चमड़े का रंग पुलिस ने जेल में डाला है। कोई कानून का वायलेशन करेगा तो वो जेल ही जाएगा। विषय पे आए, भी तो समर्थन किया ना आपने, कोई भी वायलेशन देश में करेगा तो वो जेल ही जाएगा ना। चलिए चल जी 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 ओके शुभ्रा, यही कानून का वायलेशन अगर जैक डॉर्सी करेगा तो खदेड़ा जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं, जैक डॉर्सी ने अपना ओपिनियन दिया है, देश की जनता जूता चप्पल के साथ खड़े हो गई है। सत्यप्रकाश जी हुआ आपने बोला, मैं केवल एक बात को देखे, अनुशासन शांत, अनुशासन का पालन करना मुझे लगता है कि कई शुभराष्ट्र शांत से आने वाला व्यक्ति शुभराष्ट्र जी ओके ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। शुभराष्ट्र होल्ड ऑन ओके, अनुशासन का पालन करने वालों को सजा ना मिले डिबेट में। मैं दो बातें केवल रखना चाहता हूं, यदि कोई विदेशी व्यक्ति कोई बात रखता है उस पर जांच शुरू कर देनी चाहिए। तो आदरणीय सत्यप्रकाश जी जो नीतीश विचार को लेकर पूरे दुनिया में जा रहे हैं इंटरनेशनली, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जॉर्ज सोरोस ने भी कहा है भारत का लोकतंत्र खत्म है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। एक से सत्य जी अपनी वक्त में बोले, अपने वक्त में बोलिए। सत्यप्रकाश जी को पूछिए, आर्मी ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए आज तक कांग्रेसी सबूत मांग रहे हैं। तो इसी प्रकार से किया जाएगा, भारत की सेना का भरोसा मत कीजिए। ग्लोबल टाइम्स ने बोला गलवान में हमने एक भी उनके चीनी सैनिक को नहीं मारा, आज भी कांग्रेस यही नैरेटिव फैला रही है, तो उस बातों को भी स्वीकार लिया जाएगा। यही करना चाहिए फिर हमको अमित जी। सत्यप्रकाश जी इसका जवाब दीजिए, जैक डॉर्सी और अमृत पान जिसका नाम लिए दोनों को मत मिलाइए। जॉर्ज सोरोस को क्यों ना, उससे कांग्रेस फंडिंग ले रही है, उससे कांग्रेस फंडिंग ले रही है, वो दूसरी बात है। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक पे नीतीश कुमार उस समय जबकि विरोध में थे, फिर आप बोल रहे फिर आप क्यों बोलेंगे जैक और जॉर्ज, आप क्यों बोलेंगे बीच में? नीतीश कुमार कैसे उस समय जबकि विपक्ष में हम लोग जॉर्ज नहीं, नीतीश कुमार जी ने खुलकर कहा मैं सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करता हूं, सेना पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
और कांग्रेस ने भी सेना को बधाई दी थी। अच्छा, कांग्रेस आपसे सेना की बधाई हो रही थी, बिल्कुल बधाई हो रही थी, बिल्कुल बधाई मांगे थे, अभी भी मांग रहे हैं। कांग्रेस ने सेना को बधाई दी थी, पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बधाई नहीं दे रही, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से, पूछ लीजिए एक बार, दिग्विजय सिंह अब क्या बोलते हैं, मैं उनको डिफेंड करने या नहीं, अरे वो कांग्रेस के नेता है, भारत जोड़ो के संजय निरुपम, दिग्विजय सिंह नहीं, दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी स्वयं खून की दलाली बोलते हैं। ठीक है, ठीक है अमित जी, ठीक है, अबे अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, 15 सेकंड शार्प, 15 सेकंड अमित जी, अमीश देवगन जी, धन्ना सेठों का अमृत पान करने वाली सरकार को यह फिनाइल ही लगेगा। क्या जैक डॉर्सी ने कहा कि किसानों पर अत्याचार हुआ? क्या हिडनबर्ग ने कहा कि एक कंपनी ने अकूत संपदा बना ली स्टॉक मैनिपुलेशन से? वो भारत के गरीबों पर हमला था, 20,000 करोड़ रुपए किसके थे? इसका जवाब सरकार के पास, ठीक है, जवाब लेंगे सरकार से, लेकिन अब मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में बताना चाह रहा हूं व्यूअर्स। ये ट्रेंड भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, घातक साबित हो सकता है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की खबर आज पूरे दिन आपने देखी पड़ी होगी। जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा डाले हैं, जिससे विपक्ष के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विपक्षी नेताओं को जैसे बयान आए उससे लगा कि जैसे जैक डॉर्सी नहीं किसी देवदूत ने सरकार के खिलाफ आकाशवाणी कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि जैक डॉर्सी के बयान को सिर माथे रखने वाले आईएमएफ की रिपोर्ट पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? व्यूअर्स, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आईएमएफ ने 2023 में भारत के ग्रोथ रेट को 5.9% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। इतना ही नहीं, आईएमएफ के मुताबिक दुनिया में भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन इस पर विपक्षी नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। कुछ दिन पहले गुजरात दंगों पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और विपक्ष ने इसका खूब प्रचार तक किया। बीबीसी के नाम पर कहा गया कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी कुचल रही है, लेकिन विपक्ष ने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों वाले केस में बरी कर चुका है। बीबीसी की अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता करने वाले सच्ची घटनाओं पर आधारित द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच भूल जाते हैं। आपको याद होगा नवंबर 2020 से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त एक टूल किट सामने आई थी, उसमें जैसी प्लानिंग लिखी थी वैसा ही होते हुए समूचे देश ने देखा। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में ट्रैक्टरों वाला तांडव हो गया। अमेरिकन एडल्ट स्टार मिया खलीफा और कथित पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट सब कुछ उस टूल किट का ही हिस्सा थे, जिसका एक्सटेंशन जैक डॉर्सी को माना जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी 2022 को पेगासस को लेकर खबर छापी। भारत में पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। राहुल गांधी ने तो दावा कर दिया कि आज तक सरकार पेगासस से उनकी जासूसी करा रही है, उनका फोन टेप हो रहा है। लेकिन अब से दो हफ्ते पहले मॉर्गन स्टेनली ने एक और रिपोर्ट जारी करी, जिसमें कहा गया कि बीते 10 साल में भारत का कायाकल्प हो गया है। लेकिन यह बात विपक्ष आपको कभी नहीं बताएगा और इसको मानेगा भी नहीं। राहुल गांधी तो अमेरिका में भारत में डर का माहौल और खतरे में मुसलमान जैसे बड़े बड़े दावे कराते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने उस बयान पर चुप्पी साध लेते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है जिसका अनुभव कोई भी दिल्ली जाकर कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो खूब चर्चा होती है, जिसमें साजिशन भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे रखा जाता है। व्यूअर्स, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो आपको टूल किट पर यकीन करने वाला कभी नहीं दिखाएंगे ना ही इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नमस्ते, नमस्कार, क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो, हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन सर, कुड यू प्लीज लेट गो ऑफ माय हैंड सर, कुड यू प्लीज सर, स्टॉप सर,
Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. Which country? Netherlands. Yeah, how are you, sir? Yes. Netherlands. We're Indians. I know, I can Indians. See. Yes. Namaste. Yes. Jai Shri Ram. It makes me happy to see smiling faces. Trust me, today I'm very happy with smiling faces. Have a good day. वीडियो देखकर आप पूरा मामला तो समझ ही गए होंगे। ये एक विदेशी यूट्यूबर है, बेंगलुरु में घूमते हुए इसके दो वीडियोस वायरल हैं। एक में उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, दूसरे में रास्ता बताकर ना सिर्फ तीन लोग उसकी मदद कर रहे हैं बल्कि इससे अच्छी तरह बात भी कर रहे हैं। आखिर ये विदेशी यूट्यूबर इन्हें जय श्री राम कहकर गुड बाय भी बोलता है। अब सोचिए अगर इसके साथ बुरा बर्ताव होता।